हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आई हूँ। सो आप लोग का एडमिशन ओपन हो चुका है कौन से मंथ के लिए, जब आप लोग का एग्जाम अक्टूबर सेशन में होता है, मतलब कि पब्लिक एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर 2022 में जिनका एग्जाम होना है, जिनको एग्जाम देना है अक्टूबर सेशन, मतलब कि पब्लिक एग्जामिनेशन 2022 मतलब नेक्स्ट ईयर, उनका जो है एडमिशन ओपन हो चुका है। और अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही आप लोग का एडमिशन क्लोज हुआ है, कौन से ईयर का, 2022 मार्च अप्रैल वाला जो एग्जाम होता है आप लोग पब्लिक एग्जामिनेशन, उसका एडमिशन क्लोज हो चुका है। अभी एडमिशन ओपन हुआ है आप लोग का नेक्स्ट ईयर अक्टूबर के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग को अक्टूबर में एग्जाम देना हो तो आप लोग अपना एडमिशन करवा सकते हैं, एडमिशन ओपन हो चुके हैं। बाकी एडमिशन के पूरे प्रोसेस में कहीं पर कुछ दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो यहाँ तक तो हो गई आप लोगों की एडमिशन की बात। अगर अब बात किया जाए आप लोग की टीएमए के बारे में, तो आप लोग का जो अब एग्ज़ाम होने वाला है जिन बच्चों का, अभी तो अक्टूबर वाले बच्चों का ये 2021 वाला एग्ज़ाम चल रहा है, आप लोग का भी चलेगा 15 तारीख के अराउंड आप लोग का दिसंबर तक चलेगा एग्ज़ाम। बाकी अब आप लोग का जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होने वाला है NIOS का पब्लिक एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल में, तो उसका जो आप लोग का टीएमए का भी काफ़ी सारे बच्चों का डाउट चल रहा है, काफ़ी सारे बच्चे डाउट पूछ रहे हैं मैम टीएमए ऑनलाइन सबमिट होगा, ऑफलाइन होगा, क्या प्रोसेस है। तो सारी चीज़ मैं आप लोग को बता दूंगी आज इस वीडियो में, वन बाय वन कुछ अपडेट्स हैं छोटी छोटी जो आप लोग को इन्फॉर्म करना जरूरी है। सो जहां तक टीएमए की बात है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आप लोग का टीएमए का जो सबमिट करने का लास्ट डेट होती है वो 31 जनवरी है। 31 जनवरी से पहले पहले आप लोग को अपना टीएमए सबमिट करवाना है। अब आप बात आती है आप लोग की ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप लोग का जो है ये अपॉर्चुनिटी NIOS बोर्ड की तरफ से पहली बार आप लोग को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप लोग अपना टीएमए ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है, NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आप लोग को सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ना समझ में आए तो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बाकी ये दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके भी आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो इधर दो तीन दिन पहले ही आप लोग के लिए अपडेट आई है, काफ़ी टाइम से आप लोग पूछ भी रहे थे लगातार, आप लोग को ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी कि जो आप लोग ने टीएमए बना लिया है मैम सबमिट हो गया या नहीं हो गया। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं बनाया है तो आप लोग टीएमए बनाइए, बनाना आप लोगों को सबको टीएमए बनाना है, बस सबमिट करने का प्रोसेस ये हो गया कि आप लोग ऑफलाइन की जगह पे, मतलब आप लोग को जाके जो स्टडी सेंटर पे या फिर स्टडी सेंटर वालों ने एक्सेप्ट नहीं करा, या वो आप लोग का टीएमए सबमिट नहीं कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, इस तरह के जितने भी इशूज़ हैं आप लोग के यहाँ पे सॉल्व कर दिए गए हैं। फिर आप लोग को जाना पड़ता था रीजनल सेंटर, वहाँ पे भी आप लोग को 10 तरह की प्रॉब्लम्स अगर हो जाए तो आप लोग को समझ में नहीं आता था कैसे आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट करें। सो आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी हो गई कि आप लोग अपना टीएमए जो है ऑनलाइन तरीके से सबमिट करवा सकते हैं, मतलब आप लोग का टीएमए पूरा हैंड रिटन होना चाहिए। कोई भी आप लोग ये मत सोचिएगा कंप्यूटराइज टाइप का आप लोग कर सकते हैं या कोई और तरीके से अपना टीएमए सबमिट करवा सकते हैं, आप लोग का हैंड रिटन होना चाहिए टीएमए, ठीक है, पूरा टीएमए आप लोग को उसी तरीके से बनाना है, बस सबमिट करने का तरीका बदल गया है, ऑफलाइन की जगह पे ऑनलाइन सबमिट होगा, ठीक है। अब चौथी चीज़ ये कि आप लोग, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि मैम टीएमए सबमिट करवाने में जो है कुछ टेक्निकल इशूज़ जो है फेस करने पड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप लोग का हर बार NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट में कई बार ऐसी प्रॉब्लम हर चीज़ में जो है फेस करने को मिलती है, चाहे वो एडमिशन के टाइम हो या कुछ कुछ आप लोग की जो गाइडलाइंस आती हैं, अपडेट्स आती हैं, तो आप लोग उसमें जब कुछ प्रोसेस कर रहे होते हैं, लॉगिन कर रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोग की होती हैं, एरर आते हैं, तो इसमें भी आप लोग को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को सिंपली थोड़ा वेट करना है। कई बार साइट बिजी रहती है तो आप लोग का एरर आ जाता है, या कई बार आप लोग का कुछ ना कुछ वहाँ NIOS बोर्ड के साइट की तरफ से भी कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, इसलिए आप लोग का एरर आ जाता है, तो उसमें आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोगों का उसमें कोई रोल नहीं है, आप लोग बस थोड़ा सा वेट करिए, एक बार आप लोग ट्राई करिए, अगर नहीं होता तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा रुक कर थोड़ा और ट्राई करिए, तो आप लोग का एक टाइम पे सबमिट जरूर हो जाएगा, ये इशू जो है आप लोग का सॉल्व किया जा रहा है, ठीक। बाकी जैसे अगर आप लोग NIOS में न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को समझ में नहीं आता कौन से मंथ में आप लोग को एग्जाम करवाना है, कई बार आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ऑन डिमांड क्या है, पब्लिक एग्जामिनेशन क्या है, मार्च अप्रैल में एग्जाम होता है फिर अक्टूबर में भी एग्जाम होता है, तो मैं ये एक मतलब आप लोग को एक छोटा सा अभी यहाँ फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग का पब्लिक एग्जामिनेशन साल में दो बार होते हैं, मार्च एंड अप्रैल के मंथ में एक बार होता है, दूसरा होता है आप लोग का अक्टूबर सेशन में, ठीक है, एक बार अक्टूबर एंड नवंबर, अभी तो फिलहाल थोड़ा लेट हो गया, नवंबर एंड दिसंबर के महीने में आप लोग का एग्जाम लिया जा रहा है इस बार, लेकिन आप लोग को अक्टूबर सेशन मतलब कि पब्लिक एग्जामिनेशन ही होता है वो भी। तो साल में दो बार आप लोग के पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं, एक बार होता है आप लोग का मार्च अप्रैल में, दूसरी बार होता है आप लोग को अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर के महीने तक आप लोग का एग्जाम चलता है, ठीक है। मार्च में आप लोग का इसमें प्रैक्टिकल चलता है, फिर उसके बाद अप्रैल में आप लोग का थ्योरी चल के फिर मई तक जो आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग के पब्लिक एग्जामिनेशन हो गए। इसके अलावा फिर जो ऑन डिमांड होता है, अगर आप लोग को ऑन डिमांड से एग्जाम करवाना है तो आप लोग अपना एडमिशन करवा सकते हैं, देन आप लोग को एक डेट जो एक टाइम लिमिटेशन दे दिया जाएगा कि
इतनी डेट से इतनी डेट के बीच में आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी एक डेट चूज़ करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। उसमें ये अपॉर्चुनिटी आप लोग को दी जाती है कि आप लोग अपनी डेट जो है खुद चूज़ कर सकते हैं, बाकी ये 4 महीने छोड़ के जो पब्लिक एग्जामिनेशन के होते हैं, ठीक है, जो मार्च अप्रैल एंड अक्टूबर सेशन वाला जो कुछ 4-5 महीने जो है आप लोग के छोड़कर, उसके जितने बाकी महीने होते हैं उसमें सब में आप लोग अपना ऑन डिमांड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो आप लोग को टाइम लिमिटेशन दी जाएगी उसमें से कोई एक डेट जो आप लोग चूज़ करके उस दिन अपना जाके सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आप लोग को फिलहाल बता दिया। इसके लिए अलग से अगर आप लोग को समझना है तो मैंने प्लेलिस्ट लगा रखी है, जो कि न्यू स्टूडेंट होते हैं उन्हें समझ में नहीं आती सारे प्रोसेस एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड, सो वो सारे स्टेप बाय स्टेप सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैंने आप लोग को बता रखी, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोग की टीएमए की। तो टीएमए जो है आप लोग का सॉल्यूशंस जो है मैं अपनी लगातार वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ। ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए, वीडियो सॉल्यूशंस लेकर आ रही हूँ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है। सो अभी डेटा एंट्री का मैंने रिसेंटली अभी कल परसों में ही आप लोग का वीडियो अपलोड करा है जिसमें आप लोग के हिंदी मीडियम में डेटा एंट्री के सारे सॉल्यूशन है क्लास 10th के लिए। सो अगर आप लोग को टीएमए में मदद चाहिए तो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड करना है उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, टीएमए के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, बाकी सारे डिटेल्स मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताई, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। एंड देन दूसरी चीज़ ये कि आप लोग का टीएमए अगर आप लोग को बनवाना है तो आप लोग इस दिए गए नंबर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप लोग अपना टीएमए बनवा सकते हैं, आप लोग के घर तक आप लोग का टीएमए पहुँचा दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग अगर अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी बनवाना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए ताकि हम आप लोग की प्रैक्टिकल फाइल बनाने में मदद कर सकें, आप लोग की प्रैक्टिकल फाइल बनाकर आप लोग तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। सो इसके आगे के जितने भी प्रोसेस हैं, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, कैसे प्रोसेस होगा सारा, तो आप लोग उस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करिए। इसके आगे की जितनी भी चीज़ें हैं मैं आप लोग के साथ डिस्कस करके आप लोग की सारी कन्फ्यूजन्स दूर कर दूंगी, ठीक है। अब सबसे मेन मुद्दा जो एनआईएस बोर्ड के सारे बच्चों का बना हुआ है कि जो आगे अब बोला जा रहा है कोरोना जो है वापस से बढ़ रहा है, दूसरी वेव आ रही है, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, इस तरह से बातें चल रही हैं। सो आप लोग का जो कोरोना चलो वो तो चीज़ साइड में है, लेकिन आप लोग के एग्ज़ाम को लेकर जो एक मुद्दा बना हुआ है आप लोग के दिमाग में, जो चीज़ है कि भाई एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा नेक्स्ट ईयर जो 2022, अभी तो ये एग्ज़ाम अक्टूबर वाले तो चल ही रहे हैं, हो ही गए ऑलमोस्ट, अभी अगले 10-15 दिन में जो ख़त्म हो जाएंगे। अब अगले साल जो आप लोग का एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है, मतलब कि एक तो मार्च अप्रैल में होगा, देन उसके बाद अक्टूबर सेशन में होगा, राइट। तो उसमें आप लोग का कन्फ्यूजन ये चल रहा है उन बच्चों का कि मैम हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं प्रेफर ये कर रहे हैं कि मैम प्लीज़ हमारा एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन तरीके से होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं ऑफलाइन होना चाहिए। सो आप लोग का जो कन्फ्यूजन है वो मैं आज दूर कर दूंगी। आप लोग का जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट ईयर का, उसमें बहुत चांसेस हैं आप लोग के एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होने के, ठीक है। आप लोग का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है, अभी 100% गारंटी कोई नहीं बोल सकता कि हाँ आप लोग का एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम चांसेस आप लोग के हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम ऑनलाइन तरीके से लिया जा सकता है। अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी एग्री वगैरह कुछ अलाउ नहीं किया जा रहा है, या जो भी आप लोग का एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी चीज़ें हैं, अभी सब कुछ डिस्कशन एक तरह से चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर ये एक तरह से पाला इस तरह भारी है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन तरीके से लेने के ज़्यादा चांसेज एनआईएस बोर्ड की तरफ से लग रहे हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाया जाएगा नेक्स्ट ईयर से, ठीक है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो आप लोग का अभी फिलहाल एनआईएस बोर्ड ने जो है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो धीरे धीरे आप लोग के लिए फैसिलिटीज़ बढ़ा रहा है एनआईएस बोर्ड, ये जो कि बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। और रिसेंटली अगर गुड न्यूज़ की बात किया जाए तो आप लोग का टीएमए सबमिट करवाने की ये जो गुड न्यूज़ है कि आप लोग का टीएमए ऑनलाइन तरीके से सबमिट करवाया जा रहा है, तो इसी से आप लोग एक तरह से हिंट लगा सकते हैं कि अभी फिलहाल धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ग्रो हो रही हैं आप लोग के लिए, फैसिलिटीज़ धीरे धीरे लेकर आ रहा है एनआईएस बोर्ड। अभी टीएमए के लिए ऑनलाइन का आप लोग का फाइनल हो गया कि आप लोग ऑनलाइन टीएमए अपना सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप आगे फाइनल बता दिया जाए क्लियरली कि हाँ आप लोग का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन तरीके से होगा, तो ज़रूर मैं आप लोग को अपने इसी चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगी कि आप लोग का एग्ज़ाम ऑनलाइन तरीके से लिया जाएगा। लेकिन मैंने बस इस वीडियो में आप लोग को इतना क्लियर कर दिया कि आप लोग ये मान के चलिए कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप लोग के ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। सो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस अभी पढ़ाई में लगे रहिए। और लास्ट चीज़ कि अगर आप लोग को मेरी ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होना है तो फटाफट से इस दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए।
मेरी ऑनलाइन क्लास में आप लोग के सारे सिलेबस जो है कवर करा दिए जाएंगे, बाकी इसके आगे की जितनी भी डिटेल्स हैं, आप लोग फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग की ज़्यादा फीस को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि बॉय बहुत ज़्यादा हाई फाई फीस होगी, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आपके बजट में फीस है, प्लस बहुत अच्छी एजुकेशन, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, सैम्पल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, चैप्टर समरी, एवरीथिंग आप लोग अच्छे तरीके से पूरी तैयारी एग्जाम से पहले पहले करवा दी जाएगी। बैचेस तैयार हो गए हैं नेक्स्ट ईयर, जो पब्लिक एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, बैचेस तैयार हो गए हैं। अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट से इस दिए नंबर मुझे व्हाट्सएप करिए और क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, और ताकि आप लोग अपने अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकें, अच्छी परसेंटेज लेकर आ सकें। सो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी सारी अपडेट्स, आप लोग के जितने डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके से सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसी के बगल में बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाएँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और भी एनआईएस के स्टूडेंट्स के साथ। सो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, stay safe, take care of your health and immunity, and thanks for watching.